Azi este calma, hai sa make a free Minecraft server with ultimate resources, no editor mouse, no clickbait. Sabse pehle aapko description ke liye ocus.me/r/4915 agar aap chahte ho ki Aaron jo aaye back. सब यहाँ पे आ जाओगे फोकस पे अपना माइनक्राफ्ट सर्वर होस्ट करेंगे अल्टीमेट माइनक्राफ्ट सर्वर अपना पूरा एक बेट से नीचे ना सकते यहाँ पे आके साइन अप कर लो वहाँ पे एजर आउट नहीं यहाँ पे आ रहा था ना आ जाओगे यहाँ और ये सारे रिसोर्सेस है एटर्न से वे बेटर और सारा कुछ कर सकते हो अब फ्री में दो सर्वर सॉर्ट्स और सबसे पहले क्रिएट करने के लिए मैं जाऊँगा क्रिएट सर्वर पे और आपको जब भी अपने रिसोर्सेज देखने हैं माय टियर पे जाके आप देख सकते हो तो मैं इसको नाम देता हूँ प्रॉक्सी प्रो ओलंपिक्स मेरे पास है मैक्सिमम 4000 MB जिसको मैं 4 GB बोलूँगा 1 GB 1024 MB होता है तो मैं 1000 MB लूँगा आप इस वीडियो के लिए आप 8 GB और मेरे पास है मैक्सिमम 85 मैं इसको स्पाइक पर चलाने देता हूँ और मुझे 116 के लिए बनाना है इसलिए मैं 8 या 11 में से लूँगा मैं आपको जावा 8 रेकमेंड करूँगा और ये मैं सर्वर की लोकेशन चूज करने के लिए जर्मनी में यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड स्टेट्स में सर्वर होस्ट कर सकते हो और जर्मनी के सारे सर्वर्स जर्मनी आउट ऑफ स्टॉक इसलिए मैं ले लेता हूँ मैं इसके लिए आपको रिकमेंड करूँगा मैं अपने सर्वर्स होस्ट करवाऊँगा अब माइनस पे जाना है मेरा सर्वर इंस्टॉल हो गया बस उस मैनेज बटन पे क्लिक किया ये आता शो करेगा अपनी आईपी एड्रेस ओके .pocus.cc कहीं पे भी जाओ फाइन मैनेजर पे FTP होगा इससे ये आपको बाद में बताऊंगा अब अपने आईपी को यहाँ पे आके चेंज कर सकते हो इसका नाम रखते हैं हम कुछ सिंपल सा Prolympics. Get started. 15 seconds. और फर्स्ट टाइम स्टार्टअप भी थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये है ना कौन सो इसका तो पता ही होगा और अगर कुछ शो ना कर रहा हो ना तो रीलोड कर लो हाँ ये ना मुझे मैं इसको चेंज करना पड़ेगा ये है कि जावा कि माइनक्राफ्ट 1.16 को आई मीन 17 को रन होने के लिए जावा 16 की ज़रूरत होती है पर हमने इसको जावा 8 दिया और डैशबोर्ड अभी वो है बेटा है रिलीज में जावा 8 के साथ 16 रख लेता हूँ और ये हाइबरनेशन टाइम इसी के कारण हमारी ये इसके माइनक्राफ्ट सर्वर 24/7 अब सर्वर इंस्टॉल हो गया अब हम जाएंगे मतलब एक से बहुत अच्छी लगती है यहाँ इस पर जाना है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा जिसमें बताना भूल गया अभी कुछ मेरा टाइम नहीं हुआ है अभी सिर्फ 10-20 सेकेंड हो गया मैं एक चीज़ बताना भूल गया मैंने रिकॉर्ड नहीं किया यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा उस पर आए एक्सेप्ट क्लिक करना है वो पूछ रहे कि आप माइनक्राफ्ट इनला को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं FTP हो गया अब हम बाकी का कर
समझते हैं, फाइल में से भी यही है, बस आप यहाँ पे फाइल्स को एडिट कर सकते हो। और अगर यहाँ पे अपडेट हो ना, फर्स्ट टाइम स्टार्टअप में टाइम लगता है, यहाँ से आप फाइल्स को यहाँ से एडिट कर सकते हो, जैसे मुझे कमांड स्टार्ट वाई एम एस को ऐसे करके। और ना मैं क्या कहता हूँ कि आप अगर ये ठीक नहीं है ना, बाद में बताऊँगा जब हम इस पे स्टेप पे आएंगे। अब हम जाते सेटिंग्स पे, ये भी दिखा दिया। ये है अगर आप गीजर यूज़ कर रहे हो, ये आईपी चेंज करने के लिए। यहाँ पे आप प्लगइन्स ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने किया सर्च वर्ल्ड, इसको काफ़ी सारे आपको वर्ल्ड के प्लगइन्स दिखाएगा। और यहाँ पे पेपर और स्पीकर, ये शेड्यूल्स से आप शेड्यूल्स क्रिएट कर सकते हो कि वो किस कितनी कितनी देर बाद कोई कंसोल में कमांड रन करके सर्वर स्टार्ट करें। यहाँ से आप एक एक्स्ट्रा पोर्ट क्रिएट कर सकते हो सर्वर के लिए, यहाँ से एक डेटाबेस फ्री में। ये है नॉट स्टार्ट, और है बस एक्सेस। यहाँ पे न्यूमेरिकल आईपी और ये वर्ल्ड लोड हो रही है, तब तक हम माइंड ट्रिप कर लेते हैं। और मैं क्या कहता हूँ कि ये फाइल मैनेजर पे जो YML फाइल्स है ना, अब अपने एडिटर में जाओ, किसी भी सोर्स कोड एडिटर पर, मैं VS कोड यूज़ करता हूँ, और इंस्टॉलेशन लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, इसको खोलने देते हैं। करो बस यहाँ पे जैसे मुझे करनी है सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, ये रे यहाँ पे जाना है, सारे को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है। मैं बस यहाँ पे जाता हूँ, इतना भारी नहीं है, बस मेरा पीसी कमजोर है, मैंने और कोई फाइल खोली हुई थी इसलिए शो कर रहा। मैं जाऊंगा यहाँ पे, मैं बस यहाँ पे जाकर सारा सेव कर दूँगा, फिर एडिट करेगा कि वाई मेल यहाँ सा कोई एडिट कर लो। जैसे मैं चाहता हूँ ऑनलाइन मोड रिक्वेस्ट वॉइस, ताकि मैं टी लॉन्चर से ज्वाइन कर सकूँ। मैक्सिमम हाइट पे कुछ करने वाला नहीं, यहाँ से जो चीज़ें करनी है, जैसे एम ओ टी डी भी कर सकते हो, डिफॉल्ट के मोड नेदर लॉक करना है, फोर्स के मोड सिंक चंक सारा कुछ, और मैं व्यू डिस्टेंस पीवी फोर्स करना, हाथ को चेंज कर सकते हो, सब को चेंज कर सकते हो, डिफिकल्टी वन मास्टर्स ब्रॉड आर्क ऑन अप ऑन लेवल सारा कुछ, किसी मतलब वर्ल्ड किसी। और ये रहा MOTD, आप में डाल दे तो लॉल, फिर क्या सारे को सिलेक्ट करो, कॉपी करो, यहाँ पे जाओ सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज पे जाओ, सारे को सिलेक्ट करके बैक पे आप उसको पेस्ट कर दो, बस आप सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज में जो भी चेंज करोगे कहीं पे भी एटनस पे भी, ये ऑप्शंस के फॉर्म में रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई बटन काम ना करें तो बस रीलोड कर लो पेज, और अगर कोई भी इशू हो डिस्क्रिप्शन में, आई मीन डिस्क्रिप्शन में नहीं, आप जा सकते हो और मनी भी पे कर सकते हो। माइक्रो लॉन्च हो गई, पता नहीं इतना लैग क्यों कर रहा है मेरा पीसी, तो सर्वर स्टार्ट्स 4-6 पेज। और हाँ ए एक भी ले लो, यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो हाइबरनेशन, क्योंकि हाइबरनेशन में क्या है, अगर सर्वर को सिलेक्टेड हाइबरनेशन टाइम तक ज्वाइन नहीं किया और जो विल बी बैक, अगर उतने देर तक नहीं किया, जैसे मैंने 300 सेकंड से 5 मिनट लिखा है सेट किया,
Bora, lol. Non mi pensare bene se mi vado alla Puglia. आई वन नेशन को मतलब अगर आपने उतनी देर तक सर्वर किसी ने नहीं ज्वाइन किया तो सर्वर हाइबरनेशन मोड में फिर चला जाएगा और जैसे कोई उसको हाइबरनेशन मोड में ज्वाइन करने की कोशिश करता है सर्वर रीस्टार्ट होने लगता है मतलब बेसिकली हाइबरनेशन मोड में सर्वर ऑफ हो जाता है बस यहाँ पे शो करते हैं कि वो हाइबरनेशन मोड में कंसोल में और स्टेटस ऑन में कितने छोटे सवाल है ना